पहले के टाइम की अगर बात करें तो पहले लोकेशन ट्रेस करना जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था या फिर हाई लेवल का काम था, बट आज की इस बढ़ती टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो सारा कुछ कर सकते हैं। आज जो मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप घर बैठे बैठे अपना किसी भी पर्सन का लोकेशन ट्रेस कर सकते हो, उसका आईपी एड्रेस मोबाइल का पता कर सकते हो। आपने सही सुना, अगर उसका लोकेशन ऑन नहीं तब भी आप ये चीज कर सकते हो। तो वीडियो देखना है पूरा एंड तक। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टेक एंड रीड में। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल से करना, क्या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आपको अपने कौन से भी ब्राउजर में चले जाना, कोई से भी, जैसे क्रोम ब्राउजर। तो गाइस आपको करना कि सिंपल से क्रोम ब्राउजर में जाना, आईपी लॉगर सर्च करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हो। क्लिक करते एंटर एनी यूआरएल लिखाएगा। अब यहां पर कौन सी लिंक डालनी है आपको मैं बता देता हूं सिंपल से। तो वापस आपको क्रोम ब्राउजर में आना है सर्च बॉक्स में। अब यहां पर जो मन चाहे आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि मुझे डॉग सर्च करना है। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि आप भी डॉग ही सर्च करो, आप कुछ भी जो मन चाहे सर्च करो यहां पर। बस आपको इमेजेस से मतलब इमेजेस पे क्लिक करना है, और जो इमेज होगी उसके नीचे जो वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करके रखना है। जो इमेज के नीचे वेबसाइट का नाम दिख रहा है उसके क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक एड्रेस दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर से अब आपको करना क्या है, सिंपल से आईपी लॉगर सर्च करना है सर्च बॉक्स के अंदर। आईपी लॉगर सर्च करोगे तो वेबसाइट पर आ जाओगे आप। सिंपल से लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो यहाँ पर लिंक पेस्ट करना है, और यहाँ पर जो सिंपल से ब्लू बटन पर क्लिक करना है। क्लिक कर दे, यहाँ पर जो है एक लिंक जनरेट हो जाएगी। नीचे आप डाउन स्क्रॉल करोगे तो पहली लिंक मिलेगी आपको। सिंपल से इस लिंक पे जो है आपको कॉपी कर लेना है इस लिंक को। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल से अब जो है व्हाट्सएप पे आ जाना है, और व्हाट्सएप पे जिस भी पर्सन का आप लोकेशन जानना चाहते हो उस पर्सन को ये लिंक शेयर कर देनी। जैसे यहाँ पर मैंने जो कॉपी की थी वो लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा उस लिंक को, और शेयर कर दूंगा इसके साथ। अब आपको करना क्या है सिंपल से मैं बता देता हूँ। तो गाइस मैंने जो अभी जो लिंक भेजी थी जो व्हाट्सएप नंबर पे, तो ये फोन मेरा ही दूसरा वाला, इस पर मैंने जो लिंक भेजी थी। अब आपको मैं प्रूफ के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये मैंने लिंक भेजी थी, अब क्रोम ब्राउज़र में आ गया। मैं सिंपल से इस लिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्लिक किया मैंने इस लिंक पे, ठीक है। मैं जैसे ही लिंक पे क्लिक किया मुझे कुछ नहीं, यहाँ पर जो मैंने डॉग की फोटो जो ली थी वही आ रही है, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे तो मैं समझो मैं सामने आ लूँ, ठीक है, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, बट हमारा काम हो गया। हाँ, क्योंकि हमने इसको लिंक शेयर की थी, यहाँ पर इसने क्लिक किया, बट इसको जो डॉग का फोटो मिला, बट ये लिंक कहाँ से खुली है, इसका पूरा लोकेशन मिल जाएगा और आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो आपका काम हो गया, उसने इसी लिंक पे क्लिक किया, हो गया काम। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल से उसी वेबसाइट पे आना। आप कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। तो सिंपल से उस पर्सन के मैसेज देखने के बाद आपको वही वेबसाइट पर जाना, आईपी लॉगर के उस पर 3 लाइंस दिख रही होगी लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करके सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, लास्ट सीन आईपी लॉगर। उसके बाद जो आपको कट कर देना है यहाँ पर ऊपर, कट करने के बाद ऐड को यहाँ पर जो आप नीचे देख सकते हो कि 13 डेट आज की आ रही है, मतलब आज की आपने जिसे वो पर्सन क्लिक किया था लिंक पे, और बाद में एक मैप भी आ रहा है देख सकते हो। तो उसका लोकेशन है आप देख सकते हो, मैप के अंदर उसका लोकेशन आपको जो पता चल जाएगा जैसे कि उसने इसी लिंक पे क्लिक किया तो। और इतना ही नहीं, यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस भी आप पता कर सकते हो। बाजू में आपको मैप के बाजू में आईपी एड्रेस भी दिख रहा होगा, तो आईपी एड्रेस भी आपको पता चल चुका। तो अगर वीडियो जरा से भी इंटरेस्टिंग लगी या फिर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा नया, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जाकर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी कंटेंट और ऐसी नॉलेज के लिए। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।